बने रहना है निवेश में, अभी सिप बंद नहीं करनी है आपको और आप कंटिन्यू कीजिए। थोड़े से वॉलेटाइल ये मोमेंट्स जो है आपको नजर आएंगे। एक तो चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ प्रियंका जल्दी से यहाँ पे, एक तो ये कि जो हमारे फंडामेंटल्स है ना इकोनॉमी के, वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी जीडीपी ग्रोथ हो चाहे कॉर्पोरेट अर्निंग हो, राइट, वो बहुत ही अच्छी है। और हम ये ना भूलें कि अभी बजट आने वाला है, तो बजट कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करेगा कि सरकार की मंशा क्या है। और इस साल में कहीं ना कहीं किसी समय पे जाके आप इंटरेस्ट रेट कट देखेंगे, तो आई थिंक वो बड़ा इवेंट है। मुझे लगता है फंडामेंटली हम लोग काफी अच्छे स्ट्रांग विकेट पे हैं। पॉलिटिकली हम देखेंगे आगे जाके, जैसे जैसे थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एज एन इन्वेस्टर कुछ भी बदलाव नहीं करना है आपको। आप थोड़ा समय दीजिए अपने पोर्टफोलियो को इन चीजों को सेटल डाउन होने में, और आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल सही किया कि बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया। ओके, सो मैक्रोज अच्छे हैं, पॉलिटिकल एक हम टर्मोइल ज़रूर देख रहे हैं और इसका भी सोल्यूशन मुझे लगता है, सोल्यूशन तो नहीं मतलब कोई समस्या नहीं है, बस एक कोएलिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो उम्मीद थी, अनुमान लगा रहा था बाजार, वैसे रिजल्ट नहीं रहे हैं। तो क्या अगर कोई अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करे अभी, नहीं करे, स्टेटस को रखें, आपका क्या व्यू है हेमंत सर? देखिए, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट पहलू है मेरे पोर्टफोलियो का मेरा एसेट एलोकेशन, राइट। उसके अंदर मान लीजिए मैं अगर इक्विटी मार्केट की स्पेसिफिकली बात करूं और मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स का है, तो मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि जो फंड मैनेजर, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, वो मार्केट को ट्रैक करते हैं, वो ऐसे इवेंट्स को ट्रैक करते हैं। अगर उनको लगेगा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे एक्सपोजर ज्यादा है, कम करने की जरूरत है, या कुछ सेक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि एफएमसीजी अच्छा करेगा, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स अच्छे करेंगे, तो वो जो चेंजेस करना है वो उनका काम है। क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस बना के आपको रिटर्न देने हैं। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे हमेशा कहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सेक्टर, थीमेटिक, इन फंड से दूर रहना चाहिए, बट कहीं अगर आपने पिछले कुछ समय में अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एग्रेसिव बनाया है सेक्टर फंड्स को देख के या थीमेटिक फंड्स को देख के, तो मुझे लगता है वो जो हिस्सा है पोर्टफोलियो का, उसमें शायद आपको थोड़ा सा रीलुक करने की जरूरत होगी कि क्या वो वाकई में बहुत ज्यादा आपने एग्रेसिव तो नहीं बनाया है। और जैसे मैंने कहा कि फोकस सरकार का रहेगा उन सेक्टर्स के ऊपर, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मॉडरेशन होगी। तो शायद वही एक हिस्सा है जिसमें आपको देखने की जरूरत है। अगर आपका एसेट एलोकेशन बराबर है, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, आपको मुझे लगता नहीं फिलहाल कुछ करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, बजट एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, फिर से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा आपको दिखेगी कि वो क्या करना चाहते हैं और कितनी स्ट्रांग है और किस तरीके से वो फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करते हैं। आप थीम्स की बात कर रहे थे, पीएसयू थीम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग थीम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम हो गई, इन्होंने बीते 10 साल में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है। अब आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये थीम्स अब नहीं चलेंगी, पर थोड़ा मॉडरेशन के साथ आपको इनको देखना होगा। आप कुछ नई थीम्स देख रहे हो उभरते हुए? नहीं, पहले तो मैं इन थीम्स की बात कर दूं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पे भी मार्केट में मोमेंटम था, अगर हम कल भी देखें तो बाजार गिरा 6%, बट ये जो कुछ सेक्टर्स की हमने बात की, इनके जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ज्यादा गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर एज एन इन्वेस्टर आपने बहुत ज्यादा एलोकेशन लिया है, एग्रेसिव बनाया पोर्टफोलियो को, तो उसको थोड़ा कम करें। मेरा अभी भी ये मानना है कि इन एरियाज में अभी भी सरकार का फोकस रहेगा, काम होगी, पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी रीबैलेंसिंग करनी हो तो कर दें। और जहां से आप अपनी बात की कि कहां पे आपको लग रहा है, जैसा मैंने कहा कि एक फोकस सरकार का रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर क्लियर हो गया है इलेक्शन रिजल्ट से कि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रेस है रूरल एरिया में, अनएम्प्लॉयमेंट का, एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। और इस बार एक्सपेक्टेशन भी ऐसी है कि शायद मानसून अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है एफएमसीजी एज ए सेक्टर अच्छा करना चाहिए। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो आई थिंक उनमें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वैल्यूएशन काफी अच्छी हैं, तो कुछ ऐसे ये सेक्टर्स और ऐसे पार्ट्स हैं मार्केट के जहां पे मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, तो हम अब कुछ पोर्टफोलियोज पर बात कर लेते हैं हेमंत सर। मैं कुछ लाइव क्वेश्चन लूंगी क्योंकि SDG ने जो लाइव सवाल पूछा था हमसे, मैं वो लेकर आना चाहूँगी। जो पूछ रहे थे कि भाई अभी इस बाजार में उनको कहाँ निवेश करना चाहिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में, या इंडेक्स फंड्स को चुने, तो आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड्स, और कोई पर्टिकुलर इंडेक्स जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा हो सकता है लंबे समय में? देखिए प्रियंका, मेरा हमेशा मानना है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म की है, तो
तो मैं आज और अगले 1 साल में या 6 महीने में क्या आने वाला है उसके हिसाब से अपनी एलोकेशन डिसाइड नहीं करूंगा। मैंने जैसे पहले भी कहा एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। विद इन एसेट एलोकेशन अगर हम इक्विटी की बात करें तो तीनों सेगमेंट का अपना रोल है। यूजली मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा बायस अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के ऊपर रखिए। जैसे मान लीजिए 50-55% अगर आप चाहें तो उतना लार्ज कैप में रख सकते हैं, बाकी जो है उसका 70% जो है मिड कैप में और 30% जो है वो स्मॉल कैप में। ये एक थंब रूल है, ये आपको अप्लाई कर सकता है कभी नहीं कर सकता, डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। बट ब्रॉडली मेरा ये मानना है ये जो एलोकेशन है वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, क्योंकि अगर मेरा नजरिया 15-20 साल का इन्वेस्ट करने का है तो जैसा कि हम देख सकते हैं 3 या 4 सरकारें आने वाली हैं, राइट? तो मैं आज की सरकार को देख के अपनी एलोकेशन को चेंज नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है कि ब्रॉडली आप ये चीजों को आप पकड़ के चलिए कि मेरी एसेट एलोकेशन कितनी है, विद इन इक्विटी मेरी एलोकेशन जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए कि थोड़ा बायस है, और उसके अंदर भी हमेशा स्कोप रहेगा कि आप कुछ हिस्सा अगर आप चाहें तो उसका इंडेक्सिंग कर सकते हैं, राइट? इंडेक्स में जैसे आप स्पेशली अगर आप लार्ज कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें, वहां पे आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सेगमेंट का आपको फायदा हो तो आप इंडेक्स फंड देख सकते हैं, अदरवाइज एक्टिवली मैनेज फंड में मुझे लगता है अभी भी स्कोप है कि वो बेहतर रिटर्न दें। तो दोनों का मिक्स बना के अपना पोर्टफोलियो बनाए।